हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिखाई दी आज उसके बाद मार्केट रिकवर भी होता हुआ दिखाई दिया और बहुत सारे स्टॉक्स ने मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर ने उसका साथ देता हुआ दिखाई दिया था। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स मतलब चार ऐसे स्टॉक चार आईटी स्टॉक जो कि आपने यहां पर थंबनेल में देख भी लिए होंगे उनसे रिलेटेड बातें करने वाला हूं जहां पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आ सकता है इन फ्यूचर क्योंकि मार्केट को रिकवर ही होना इन द एंड जितनी गिरावट होनी है हो जाएगी मार्केट को इन द एंड यहां पर रिकवर ही होना है और आपको लग रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अटके हुए वहां से पैसा निकाल के ओके तो जो वर्ष स्टॉक है और उसे उन स्टॉक्स में लगा दीजिए वो थोड़े से यहाँ पर गिर सकते हैं बट उनको ऊपर ही जाना याद रखिएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं

यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियोस यहाँ पर आती रहती है डेली बेसिस पर तो स्टेट टून रही है मार्केट के बाद वीडियो आती रहेंगी पैसा कमता रहेगा सुनर और लेटर तो आई वीडियो की बात आगे बढ़ते हैं चार आई टी स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले आज सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे कि हम आप यहाँ पर देखेंगे निफ्टी आईटी तो निफ्टी आईटी उस सेक्टर में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है जो कि यहाँ पर गिरता गिरा था आज अच्छे खासे तरीके से एक सपोर्ट लिया जो कि यहाँ पर यहाँ पर पहले सपोर्ट था वही सपोर्ट आज नीचे लिया और नीचे लेके यहां से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों रिकवर देखिए कोविड में क्या होगा अगर कोविड की वेव आए भी ओके लॉकडाउन हुआ भी ये वर्क फ्रॉम होम चलता रहेगा रिजल्ट इन सबके अच्छे आए और जब रिजल्ट अच्छा आया तो ये चीजें भागती हुई दिखाई दे सकती है तो मैं आपको देखिए मोस्टली सारे स्टॉक्स यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर ही चल रहे हैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पर ऊपर से नीचे आ गए है, बट यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आज की डेट में वो ऊपर तो गए बट यहाँ पर नीचे ही रह गए थे ऐसे आपको चार से पांच स्टॉक्सिव बातें करेंगे जाके देखिएगा उस स्टॉक्स को खुद की स्टडी करेगा तो आपको पता चलेगी कितने बेहतरीन स्टॉक्स है सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर की

चार्ट पैटर्न आप देख ही सकते हैं ये शेयर अक्टूबर सेप्टेम्बर में आता हुआ दिखाई दिया एक अच्छे खासा यहाँ पर जुलाई तक यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बन गए उसके बाद एक लंबा जुलाई से लेके अभी तक की बात करें तो लगभग छह महीने ही लगभग मान के चलिए एक कंसोलिडेशन लंबा हो चुका है रिजल्ट की बात करें हाईएस्ट यहां पर देखिए कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है एक्सपेंस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है काम ज्यादा आएगा तो एम्प्लॉयज की हायरिंग तो यहाँ पर एम्प्लॉई कॉस्ट ही यहाँ पर देखिए ज्यादा होती तो हुई दिखाई दे रही है अदरवाइज बात करें यहाँ पर प्रॉफिट uh, की तो कंपनी का अभी भी, भी जो प्रॉफिट हुआ था वो हाईस्ट है फोर्टी फोर करोड़ रुपीज का एक्सपेंस काटने के बाद ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और जब इस तरीके के यहाँ पर रिजल्ट uh, आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कंपनी को छोड़ना बेबकूफी होगी जब यहां पर गिरावट हो रही है गिरावट में तो ऐसी कंपनी को हमें बाइंग करना चाहिए इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर कंपनी ने किस तरीके से 2008 करोड़ की सेल्स यहाँ पर आठ करोड़ की सेल्स में तब्दील हो गई है छह सात आठ साल में तो आप आठ साल अगर पैसा रख देंगे तो आठ करोड़ से मतलब कितना यहाँ पर हंड्रेड टाइम्स होता हुआ दिखाई दिया है तो हंड्रेड टाइम्स यहाँ पर हो गया आठ साल के अंदर, अंदर अंदर नौ साल के अंदर अंदर तो आठ नौ साल और इस कंपनी को दे देंगे तो यहाँ पर एक जीरो और पीछे लगती हुई नजर आ जाएगी एक या एक या दो जीरो पीछे भी लगी है तो यहाँ पर समझ लीजिए कंपनी कितना अच्छा कर

कि ए, आ, किसी ए किसी एम लिस्ट में है या नहीं है इसी से ये भागता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ से जैसे ही निकलेगा अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा तो तब तक यहाँ समझ लीजिए एक कंसोलिडेशन फेज है जैसे ही निकल जाएगा पैसे बनते हुए आएंगे जैसे कि ई कलेक्स के साथ हुआ था इ क्लेक्स एक बेहतरीन शेयर है अट्ठाईसो में इसका बाईबैक हुआ था ओके डेट फ्री कंपनी आर ओसी काफी बेहतरीन है मार्केट कैप यहाँ पर आठ हजार करोड़ रुपए का स्मॉल कैप कंपनी है पी की बात करें बाईस के पी पे मिल रहा है और कंपनी का जो अगर बात करें क्रिटिकल बिजनेस ऑपरेशन सर्विस टू ग्लोबल फोर्च्यून फाइव हंड्रेड क्लाइंट्स में एक यहाँ पर अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है और हर एक सेक्टर में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हर्डल्स आते रहते हैं बट स्टिल कंपनी गिरती भी है तो अच्छा खासा यहाँ पर रिस्पॉन्स भी देती है तो इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे इसके अलावा सेल्स

बात करें पब्लिक इसी वजह से शेयर अगर हम देखेंगे ना तो इसी वजह से ये शेयर देखें यहां पर गिरता हुआ नजर आया था यहाँ पर आप देखेंगे कि वगैरह ने यहाँ पर आउट किया तो यहाँ पर चीजें यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है एक लंबा कंसोलिडेशन हमेशा कहता हूँ इस कंपनी का ट्रैक रहा है जब भी इसके रिजल्ट आते हैं फिर 5%, 6 का लोअर अपर, सर, अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई देता है ये कंपनी अभी क्यों नहीं भाग रही है अभी ये काफी टाइम से अगर मैं आपको दिखाना चाहू तो एस की लिस्ट में थी पहले चार पे थी अभी वन पे आ गई है जो की एक अच्छी बात है अगर ये शेयर आपको थोड़ा सा और टूटता हुआ दिखाई है ओके यहां पर दो हजार रुपए के आसपास ये शेयर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आंख बंद करके लगा दीजिएगा यहां पैसा सुनर और लेटर यहां पर 2600 2700 रुपए 2800 रुपए तक ये शेयर जाने ही है लगभग 3000 को भी ये टच करेगा तो यहां पर मैं बुलिश हूं यहां पर इस चीज को समझिएगा इसके अलावा हम बात करते हैं एक और शेयर की जो कि है एम्फेसिस सारे आईटी के स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे देखिए पच्चीस उन्नीस आई है चौबीस परसेंट का डेट है के पी पे और लार्ज कैप करोड़ की है, 36, 60, uh, रहे, 36, से करेक्ट 3, पर ट्रेड कर रहा है 3, 39, कुछ पे ट्रेड कर रहा है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा यहाँ पर भागता है फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी गिरावट हुई फिर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया कंपनी थोड़ा सा कंसोलिडेट करती है अच्छा खासे तरीके से आपको पैसा देके जाती है इसके अलावा इसके अलावा अभी

और रिजल्ट बढ़ रहे हैं यहाँ पर कंपनी के बोरे यहाँ पर कम जो थोड़ी सी बढ़ी है एज वे well तो देखिए okay, uh, सी हिस्सेदारी uh, बेची, well बेची है पब्लिक के पास केवल और केवल फाइव की होल्डिंग है समझ रहे फाइव पॉइंट की होल्डिंग है तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर आके यहाँ पर इस कंपनी को थोड़ा सा हिला भी सकता है तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए इंफेसिस काफी बेहतर कंपनी है हाईएस्ट एवर क्वार्टरली बेस पे नंबर है एज वेल एस तेईस परसेंट के आप पर पूरे रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बट यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी ने आज के दिन एक बेहतरीन सपोर्ट तो लिया ही लिया है ओके इसके बाद चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है बट स्टिल यहाँ पर देखिए दो टू पॉइंट थ्री परसेंट का यहाँ पर गिरावट है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर हो सकती है और ये अगर आपको सौ रुपए और नीचे मिलता है ना बाई ऑन डिप्स करके आंख बंद करके लगा दीजिएगा वन पॉइंट टू फोर फाइव मिलियंस के यहाँ पर आज क्या थे वॉल्यूम थे तो अच्छा खासा ये भी कंपनी नजर आती है इसके अलावा बात करेंगे एक और कंपनी की जो कि एक बेहतरीन कंपनी है और लास्ट में आपको एक स्टॉक से रिलेटेड बात बताऊंगा जो कि यहां पर आपका पैसा अच्छा खासा बना बना के देगी तो इस चीज को भी ध्यान रखे मास्टेक कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर चौथी कंपनी है यहाँ पर भी देखिए देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तीस और चौबीस का आर ओ सी आर ओ ई है और यहाँ पर डेट फ्री कंपनी यहाँ पर नजर आती है चार्ट की बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न है देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी भागती हुई नजर आई सेल्स की बात करें कंपनी की अभी भी सेल्स थे जो हाइएस्ट एवन यहाँ पर सेल्स थी यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें कंपनी ईयरली क्वार्टरली पे पर इस पर देखिए हाईएस्ट से प्रॉफिट है और यहाँ पर देखिए कंपनी ने या या पर किस तरीके से 10 साल के अंदर अंदर अपने आप को दो से तीन गुना यहाँ पर किया है नेट प्रॉफिट घाटे से यहाँ पर हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट पे यहाँ पर कंपनी चल रही है रिजर्व अच्छे खासे है बोराइट कम होती हुई नजर आई है इसके अलावा जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची है अभी कुछ दिन पहले ही आपने यहाँ पर सुना भी था प्रोमोटर्स ने यहां पर हिस्सेदारी बेची थी ओके okay, तो यहाँ पर फोर्टी फोर परसेंट से थर्टी सेवन हो गई है ये ने भी यहाँ पर होल्डिंग बेची है डीआईएस ने भी बेची है और पब्लिक के पास ये हिस्सेदारी जाती हुई दिखाई दी है बट पब्लिक के पास भी नहीं गई है पब्लिक ने यहाँ पर जिन्होंने बेची है प्रोमोटर्स ने बेची है तो उमंग राजन मेहता ने यहाँ पर शेयर खरीद लिए खरीद लिए राकेश रमन ने यहाँ पर शेयर खरीदे है उमंग सिंह नाहता ने यहाँ पर शेयर खरीदे तो समझ रहे जितने भी शेयर एफ आई ने खरीदे सबके सब यहाँ पर

एक महीने से बार बार आपको वीडियो बनाता हुआ ना सात सौ चार सौ रुपए कि कंपनी लंबा कंसोलिडेशन कर लिया है पांच सौ चौदह नीचे आई अभी भी आज की दिन डेट फ्री कंपनी है आरोपी आर ओ कैपिट्री बेहतरीन है पी की बात करें इकतीस का पी है मिड कैप कंपनी है और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन है यहाँ पर देख सकते हैं कभी दो पैसे का शेयर हुआ करता था आज चार सौ पचास रुपये पे मतलब पांच सौ रुपये तक जाके आया है क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ देख सकते हैं सेल्स किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ओके हाईएस्ट एफ सेल्स है प्रॉफिट की बात करें ई क्वार्टरली बेस पर थोड़ी सी गिरावट थी बट ईयरली बेस पर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और ईयरली बेसिस पे देखना चाहिए हमेशा और कंपनी दस साल में देख देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पांच गुना होती हुई दिखाई दी है सेल्स नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा बढ़ा है और यहाँ पर रिजल्ट अच्छे खासे है बॉरिंग कम होती नजर आ रही है और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो फोर्टी की प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एफ ने यहाँ पर बढ़ाई ये 70.38 सेवेंटी ने यहाँ पर हिस्सेदारी बनाई है बढ़ाई है 21.97 और पब्लिक से हिस्सेदारी यहाँ पर कम हुई है 22 से यहाँ पर 19.77 परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर कम हुई है आशीष कचोलिया ने भी ले रखे थे उन्होंने पूरी हिस्सेदारी यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में बेच दी अब देखिए स्टील कंपनी यहाँ पर देखिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर हम बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो मुझे ये लगता है कि साढ़े पांच सौ से 600 सौ से पहले यहाँ पर मैं इस शेयर को नहीं निकालूंगा क्योंकि बनते हुए जस्ट बिकॉज मार्केट गिर गई इसलिए शेयर नीचे यहाँ पर आ गया अदरवाइज यहाँ पर जो यह कैंडल बनी थी ना इसने इंडिकेट कर दिया था कि इसने ये से ऊपर ही जाना है तो ये चीजें ऊपर ही जाएंगी यहाँ पर आज के दिन में देखेंगे तो लगभग फाइव मिलियन के यहाँ

यहां पर प्रोमो सो वीडियो को यहीं पर ही क्लोज करते हैं वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट करना शेयर करना लाइक करना और जितना हो सके सपोर्ट करना आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पर अच्छी-अच्छी वीडियोस आपको लाते रहेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है आप कांटेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच कॉल ब्लेस